नमस्कार दोस्तों, वेदारम पर आपका स्वागत है। हम अपने जीवन में मूर्त को कितना वेटेज देते हैं। हम छोटा सा छोटा काम करते हैं और हम सुबह का टाइम देखते हैं कि यार ये काम कर रहे हैं, चलो मूर्त देखते हैं कि अच्छा समय है कि नहीं है। हर बार हम मूर्त को बहुत ही ज़्यादा वेटेज देते हैं, लेकिन जब हम अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं, मेरा ये मानना है कि संतान उत्पन्न करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम और लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमारी लाइफ के निर्धारक होते हैं। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे बच्चों की होती है कि हमारे बच्चे एक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ब्रिलियंट होने चाहिए, हर पेरेंट्स की इच्छा होती है। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ जो हैं उनमें ये बात लिखी हुई है कि एक आत्मा जब माँ के पेट में जिस दिन प्रवेश करती है उसका जन्म उसी दिन से हो जाता है, न कि जिस दिन बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, जिस दिन जन्म लेता है उस दिन होता है। हमारे जो ज़्यादातर बच्चे, जो जनरली मेरा ये मानना है कि 80% बच्चे जो होते हैं वो बाई चांस हो जाते हैं। हमें बच्चे करने होते हैं और हम ट्राई कर रहे होते हैं और हमें प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस टाइम पे हम कंसीव करते हैं वो समय और घड़ी बहुत ही ख़राब होती है, और उस टाइम पे अगर हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा, मेरे नज़र में मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा अशुभ फलदायी होता है और हम लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रॉब्लम करती है। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो हमें कौन सी शुभ और अशुभ तिथियाँ जो है उनका ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ज़्यादा ऐसी अशुभ तिथियाँ हैं जो जनरली मंथ के कुछ डेज में होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखकर अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो पति और पत्नी दोनों का अगर चंद्रमा प्रबल स्थिति में हो सके तो ये सबसे अच्छा होता है। उस टाइम पे एक अच्छी संतान उत्पत्ति के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि गर्भधारण के लिए शुभ समय कौन सा होता है। किसी भी महिला के पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए तो वो टाइम ड्यूरेशन है 10 से 16 दिन। मतलब कि किसी महिला के जो पीरियड्स के 10वां दिन हो, 10वें दिन से 16वें दिन तक का समय जो होता है वो कंसीव करने के लिए बेटर होता है। इस स्थिति में, इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो जो बच्चा जो होता है वो हेल्दी होता है और ब्रिलियंट भी होता है। दूसरा, ये टाइम ड्यूरेशन किसी महिला की फर्टाइल विंडो होती है, यानी जैसा मैंने ओवुलेशन वाले वीडियो में बताया था, यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, आप जल्दी फास्टली प्रेग्नेंट हो पाते हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो होता है ये बेहतर होता है। अब बात आती है अशुभ तिथियों की। तो अशुभ तिथियां हैं जो हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार जो हिंदी महीने हैं उनमें जो तिथियां होती हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिस दिन हमें इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। तो वो तिथियां हैं 4, 6, 8, 9, 11, 14, पूर्णिमा और अमावस्या। ये तिथियाँ जिस दिन हो आपको प्रेगनेंसी के लिए इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ये तिथियाँ अशुभ मानी जाती हैं। अब आती है बात शुभ नक्षत्रों की। तो जो निश्चित नक्षत्र जो होते हैं, जैसे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा शारदा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा, हस्ती, स्वाति, धनिष्ठा और सतभिषा, ये नक्षत्र जो होते हैं ये कंसीव करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। ये निश्चित नक्षत्र हैं तो ये नक्षत्र जिस दिन चल रहे हों ये शुभ फलदायी होते हैं, इन दिनों आपको इंटरकोर्स करना चाहिए। अब बात आती है अशुभ नक्षत्रों की। तो अशुभ नक्षत्रों में जैसे जिन नक्षत्रों के आगे जैसे पूर्वा लगता है, जैसे पूर्वा शारदा, पूर्वा भाद्रपद, इस टाइप के जो ये नक्षत्र क्या माने जाते हैं, आक्रामक या तीक्ष्ण नक्षत्र माने जाते हैं, इसलिए इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। इस टाइम ये अशुभ फलदायी नक्षत्र होते हैं। अब बात आती है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जिस दिन हो ये अशुभ होते हैं, आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये जिस दिन हो आपको अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी नहीं करें तो भी आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। ये टाइम ड्यूरेशन जो होती है अशुभ मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि शुभ और अशुभ तिथियाँ, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ों वाले कौन से दिन हमें कंसीव करना है। तो मैं मानती हूँ कि सब चीज़ें हमारी लाइफ में कभी सेट नहीं हो पाती, लेकिन कुछ चीज़ें तो जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अशुभ हैं, जो हमें बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी हैं, उनको तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं। यार, आखिर लाइफ हमारी है, बच्चे हमारे हैं और हमें पूरी लाइफ ऐसे ही जीनी है। तो मैं ये चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा अशुभ फलदायी जो डेज हैं, जो मुहूर्त हैं,
उनको आप प्लीज अवॉइड कीजिए, ताकि एक बेहतर बच्चा, एक बेहतर संतान आप अपनी लाइफ में ला सकें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और इस टाइप के और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, एक बात और कि मैं एक वीडियो आपके लिए इस बात पे भी लेके आऊँगी कि आफ्टर प्रेगनेंसी एक ब्रिलियंट बच्चा कैसे पैदा हो, उसके लिए एक माँ को क्या क्या करना चाहिए, तो हम एक ये वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।